चतुर्वर्णमया सृष्टम गुणाकर्म विभागस। ये जो चार वर्ण है, इस चार वर्ण को कृष्ण सृष्टि किए हैं। तो ये वर्ण को हम लोग आधुनिक दुनिया में बोलते हैं कास्ट, जाति, लेकिन वो दोनों समान नहीं है। मैं आपको बताऊंगा क्यों समान नहीं है। तो वर्ण सिस्टम क्या करता है, जो यूनिवर्सल इनइक्वालिटी है, हम सब में असमानता है, इसको वो एक्सेप्ट करता है। द बेस्ट सोल्यूशन विल बी, जो भी इनइक्वालिटी है, हाउ टू बेस्ट यूज इट। द वर्णाश्रम सिस्टम कम इन टू एग्जिस्टेंस। इट्स वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, इट्स वेरी इंटेलिजेंट। इन वन सेंस इट कैन बी कॉल्ड इट्स अ मास्टर स्ट्रोक। मैं बताऊंगा कैसे। तो वर्णाश्रम क्या करता है, नेचर के हिसाब से गुण, यहाँ पे बोले गुण एंड कर्म। तो गुण क्या होता है, सत्व गुण होता है, रज गुण होता है, तम गुण होता है। ठीक है, आप सत्व गुण किसके पास ज़्यादा हो सकता है तो वो सात्विक हो गया, रज गुण किसके पास ज़्यादा है तो राजसिक हो गया, तम गुण ज़्यादा है तो तामसिक हो गया। उसी बेसिस पे ये डिवीजन किया गया है कि कौन कैसा कर्म कर सकता है। कर्म का भी दो डिवीजन है, ऐसा नहीं कोई भी कर्म हम लोग करेंगे। गुणकर्म मतलब ऐसा कर्म जो मैं कर सकता हूँ, आई एम कंफर्टेबल एट डूइंग इट एंड ऑल्सो आई एम कंपैटिबल एट डूइंग इट। मैं ऐसा नहीं कि वो मुझे कर्म करना अच्छा लगता है, मैं इस कर्म को अच्छे से कर सकता हूँ, आई डोंट गेट बोर्ड डूइंग इट। बेस्ड ऑन दिस वर्णा सिस्टम चार चीज़ें डेवलप किए हैं। तो एक होता है ब्राह्मण, एक होता है क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। मिनिस्टेरियल क्षत्रिय होता है मैनेजरियल, वैश्य मर्केंटाइल एंड शूद्र मैकेनिकल। एक नेचुरल डिवीजन है, ये कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है किसके ऊपर। जिसको जो अच्छा लगता है वही काम करता है ना। तो जो ब्राह्मण है किस फील्ड पे काम करते हैं, आइडियाज के ऊपर, आइडिया एडवाइस। ठीक है, जो मैनेजर क्षत्रिय होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पावर, वैश्य लोग किस में, रिसोर्सेस एंड मनी। मैकेनिकल जो लोग होते हैं वो क्या किस में डील करते हैं, टूल्स राइट एंड थिंग्स। तो एक नेचुरल क्लासिफिकेशन है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसको डाला जा रहा है उसमें। किसी का अगर उसी फील्ड में इंक्लिनेशन है, उदाहरण के तौर पर सो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स है, सो डॉक्टर्स डील्स विथ आइडिया। देन वी हैव एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर डील करते हैं रिसोर्सेज फाइनेंसेस के बारे में, सिक्योरिटी वो क्षत्रिय कह सकते हैं। देन वी हैव वार्ड बॉय, वो फिजिकल मैकेनिकल काम करते हैं। तो सोसाइटी में देखेंगे हर एक जगह ये डिवीजन है, जस्ट हम लोग उसको नाम नहीं देते हैं। अगर ऐसा हम लोग करेंगे, जिसका जो नेचर है, जिसको जो करना अच्छा लगता है उसको अगर वही करना देंगे हम लोग, तो ओवरऑल सिस्टम का आउटपुट बढ़ जाएगा। ये है वर्णाश्रम सिस्टम। जो कम्युनिज्म नहीं कर सकता, जो कैपिटलिज्म नहीं कर सकता, वो वर्णाश्रम कर सकता है। अभी देखते हैं हम लोग इस सिस्टम का पर्पस क्या है। तो पर्पस दो तरह का होता है, एक होता है इमीडिएट पर्पस, एक होता है अल्टीमेट पर्पस। तो इमीडिएट पर्पस क्या है, मैं ऐसा काम कर रहा हूं, आई एम गुड एट इट एंड आई फील गुड, क्योंकि दो चीज होता है एंड आई एम सेटिस्फाइड एंड बिकॉज जो काम मैं कर रहा हूं वो उस काम में मैं बेस्ट हूं, तो इसलिए सोसाइटी ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। तो इस दोनों के चलते हमारा जो मेटेरियल नीड्स है वो फुलफिल हो जाता है। कैसे, अगर वो कर्म में करता हूँ वहाँ से मुझे मनी मिलेगा और माइंड का पीस भी मिल रहा है, और जब सोसाइटी अच्छे से फंक्शन करता है उससे भी माइंड को हमें पीस मिलता है, एक सिक्योरिटी मिलता है, एक्सेप्टी मिलता है राइट। सो ये हमारा बॉडी और माइंड को बहुत अच्छे से टैकल करता है। लेकिन अल्टीमेट पर्पस क्या है इसका, क्योंकि नाउ दैट आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी, माई मेटेरियल नीड्स आर फुलफिल्ड, सो नाउ आई कैन फोकस ऑन समथिंग हायर, लेवल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इन द लेवल ऑफ सोल। सो वर्णाश्रम एंड भक्ति, डिवोशनल कल्टिवेशन फॉर द सोल, इसको बोलते हैं दैवी वर्णाश्रम। तो कृष्ण इसलिए इसको बनाया है ताकि हम लोग जो ह्यूमन लाइफ मिला है, ह्यूमन लाइफ हम लोग अक्सर इसी में फंसे रह जाते हैं, पैसा कैसे कमाना है, खुश कैसे रहना है, स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है।
तो भगवान ने वर्णाश्रम सिस्टम बना के ये प्रमाण किए हमारा जो मेटेरियल नीड्स और माइंड का नीड्स, सोसाइटी का नीड्स फुलफिल हो जाएगा, हमारे पास बहुत टाइम बचेगा, देन वी कैन कल्टिवेट समथिंग हायर स्पिरिचुअल, आत्मा के लेवल पर। तो ये सिस्टम बनाया गया है हमें इस दुनिया से ऊपर लेके जाने के लिए, मुक्ति भक्ति के लिए बनाया गया है। अगर वर्णाश्रम सिस्टम को हम लोग ठीक से यूज़ करेंगे तो हम लोग आध्यात्मिक चेतना तक पहुँच सकते हैं, ये इसी का पर्पस है, द ओनली पर्पस। लेकिन अभी हम लोग गलत कहाँ हुए, वेयर इट वेंट, इतना अगर अच्छा सिस्टम बनाया गया है, वेयर इट वेंट रॉन्ग। बर्थ इज टेकन ए सोल फैक्टर इन डिसाइडिंग हमारा वर्ण क्या होगा। कृष्ण यहाँ पे स्ट्रिक्टली बता रहे हैं गुण एंड कर्म, गुण एंड कर्म, गुण एंड कर्म, देयर इज नो जन्म हियर इन दिस डेफिनेशन। ये जो भी हुआ है लोगों का मिसकंसेप्शन के चलते, अभी ये सोचते हैं कि अगर मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, चाहे मेरे पास ब्राह्मण का क्वालिटी हो चाहे नहीं हो, ये गलत है। बस एक फैक्टर हो सकता है, मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है वो डॉक्टर के घर में पैदा होता है। अब डॉक्टर के घर में पैदा होता है का मतलब क्या है कि उसको बचपन से एक अपब्रिंगिंग मिलेगा ऐसा, ताकि वो डॉक्टर बनने को उसके अंदर जो इच्छा है वो और घनीभूत हो जाएगा। पिताजी डॉक्टर है, घर में मेडिकल के बारे में चर्चा होती है, तो उसके अंदर वो इंक्लिनेशन डेवलप होगा। लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट वो डॉक्टर बन जाएगा, उसको एंट्रेंस देना पड़ेगा, MBBS क्लियर करना पड़ेगा, तब बन सकता है, केवल जन्म होने से कोई नहीं हो जाएगा। तो ये जो मिसकंसेप्शन फैल गया है सोसाइटी में कि अगर आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं तो आप ब्राह्मण हैं, शूद्र घर में है तो आप शूद्र है, ये गलत है। वर्थ एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन वर्थ इज नॉट द ओनली फैक्टर, देर आर ऑल डिफरेंट फैक्टर्स। अगर आपका क्वालिटी, आपका एक्टिविटी उसी वर्ण में नहीं आता है तो वो आप उस वर्ण का नहीं कहलाएंगे। और दूसरा है, जो पॉलिटिशियंस है वो इस चीज को, जो बर्थ को एज ए सोल फैक्टर लिया गया उसको वो अभी यूटिलाइज करते हैं वोट बैंक्स के लिए, उसको फोस्टर करते हैं और फोर्स करते लोगों के दिमाग में, और ये चलता रहेगा। हाँ, तुम्हारे ऊपर शोषण किया गया है, तुम खराब जाति के हो, ये पॉलिटिक्स भी, पॉलिटिशियन भी उसको यूज करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन इज ए पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन क्रिश्चियन में नहीं होता है या मुस्लिम में नहीं होता है, जहाँ पे कोई भी पावर में है, जो लेस पावर में उसको एक्सप्लोइट करता है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट इनहेरेंट टू वर्णाश्रम सिस्टम, इट्स इनहेरेंट टू ह्यूमन साइकी। सल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज नॉट इज, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम। द ओनली सल्यूशन दैट वी थिंक, एजुकेटिंग पीपल अबाउट द ट्रूथ, अबाउट व्हाट कृष्ण एग्जैक्टली सेज इन भगवद गीता, उस सच्चाई के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स इफ यू टीच कृष्णा कॉन्शियसनेस टू पीपल द मैसेज ऑफ भगवद गीता, दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।